हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोस किचन। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज की रेसिपी है हरी मिर्च के अचार की। ये अचार मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मिर्च के अचार की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी जो कि राई वाली थी, और ये वाला जो अचार है इसे मैंने बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट करके और लहसुन और अदरक के साथ बनाया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इस अचार के लिए हम सबसे पहले मिर्ची को काट करके तैयार करेंगे। तो ये मैंने अच्छी, ये एक पाव मैंने मिर्च ली है और इसे अच्छे से धो करके पानी सुखा लिया है, ये देखिए। और इसके डंठल पीछे के मैंने तोड़ दिए हैं, तो ये अच्छी सूखी हुई, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हें हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे जिससे कि ये अचार खाने में टेस्टी लगे। क्योंकि मैं पहले कम तीखी मिर्च का अचार मैंने बताया है पहले भी, ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची है। तो ये मैं कैंची से काट रही हूँ, मुझे लगा मैं बता दूँ आपको कि मैं मिर्ची काटती कैसे हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हाथ में मिर्ची बहुत जल्दी लगने लगती है, क्योंकि तीखी मिर्च होती है तो हाथ में जलन भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये किचन टूल में ज़रूर होना चाहिए। मैंने और वीडियो में भी बताया है कि कैंची बेस्ट होती है बाकी चीज़ों को काटने के लिए, साग काटने के लिए या ऐसे मिर्ची या अचार रखने के लिए। तो ये मैंने सारी मिर्ची तैयार कर ली है काट करके बिना किसी झंझट के और बिना हाथ में जलन के, ये देखिए। और छोटी छोटी काटी है, इससे क्या तीखी मिर्च रहती है तो बहुत ज़्यादा अचार एक साथ नहीं खिला जाता है। तो ये एक पैन ले लिया है मैंने और इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच सौंफ, एक बड़ा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच राई या काला सरसों, और इन्हें हम भून लेते हैं। इनकी नमी ख़त्म होने तक और अच्छी खुशबू आने तक इन्हें हमें भूनना है। तो ये हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट में भून करके तैयार हो जाते हैं। तो ये भुन गए हैं, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इन्हें हमें दरदरा पीसना है। दरदरा नहीं, इसका थोड़ा सा पाउडर बनाएंगे, बहुत दरदरा हमें इसे नहीं रखना है। तो ये मैंने निकाल लिया थोड़ा ठंडा होने के लिए, इसे ठंडा हो जाने देते हैं। और ये जो सेम पैन है इसमें अब हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो मैंने इसमें 100 ग्राम सरसों का तेल ऐड किया है एक पाव में। चाहें तो तेल थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, बट 100 ग्राम तेल इसमें इनफ रहता है एक पाव के लिए। उसमें 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे हींग और इसको हम पका लेते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद में ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होता है बहुत अच्छा सा देखने में अचार काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जो हमने मसाले भुने थे इन्हें हमें पीसना है, बहुत दरदरा नहीं, थोड़ा महीन ही इसे हम पीसेंगे, क्योंकि बहुत दरदरे मसाले इसमें नहीं अच्छे लगेंगे। तो ये देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से पीस करके तैयार हो गया है, बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा खड़े मसाले नहीं दिख रहे हैं। ये जो सेम ग्राइंडिंग जार है इसमें हम ले लेंगे 20 ग्राम अदरक छील करके, और 1 मुट्ठी हमने ले ली है लहसुन। तो अगर इंच में ले लें तो 4-5 इंच अदरक का टुकड़ा है और थोड़ी लहसुन है, इसे हमें दरदरा पीसना है, ये देखिए। अब ये तेल अच्छे से ठंडा हो चुका है जिसमें हमने मसाले मिलाए थे, इसमें हम मिर्ची डाल देंगे। ये देखिए मिर्ची को इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद में ये जो मसाला है और जो अदरक लहसुन है ये हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन डाल देते हैं और फिर ये मसाला डाल देते हैं। और आप यकीन करिए ये बहुत ही स्वाद अचार बनता है, बड़ी जल्दी बन करके तैयार होता है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम ऐड करेंगे काला नमक, 1 चम्मच हम ऐड करेंगे सफ़ेद नमक। नमक थोड़ा स्वाद के हिसाब से भी देख लीजिएगा, आप कम ज़्यादा चाहते हैं तो, बट नमक बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए अचार में, क्योंकि धीरे धीरे अचार में नमक ऑलरेडी कम होता है। नींबू भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो नमक उसी हिसाब से देख लीजिएगा आप, स्वाद के हिसाब से भी। अब ये मैंने लिए हैं नींबू, मैंने 3 नींबू लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के और 1 छोटा नींबू है, काफ़ी रसीले नींबू हैं। तो इसका हमें रस इसमें डाल देना है मिर्ची में। अब अक्सर क्या होता है, लोग अमचूर पाउडर यूज़ करते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ अमचूर पाउडर ना यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है कि आप नींबू का रस यूज़ करें। इससे अचार बहुत दिनों तक चलता है, इवन सालों तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और इस अचार को आप लंबे समय तक रख सकते हैं, 1 साल रखें, 1.5 साल रखें, ये अचार ख़राब नहीं होगा। लेकिन जब भी अचार को निकालें सूखे चम्मच से निकालें। और ये मैंने 2 बड़े चम्मच वेनेगर लिया है सफ़ेद सिरका, ये अचार को प्रिजर्व करता है। वैसे तो नींबू डाला है, ज़रूरत नहीं रहती है, पर बहुत लंबे तक समय तक हमें चलाना है तो थोड़ा रिस्क होता है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे नींबू के अचार में ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी बहुत ही खट्टा होता है और वो अपने में सफिशियंट है, उसमें कोई भी वेनेगर की ज़रूरत नहीं, बट इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद में जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो कांच के जार में भर करके रख देंगे। और इसे आप तुरंत भी खा सकते हैं और इवन 2 दिन रखा रहने दें उसके बाद में खाएं। तो बस मिर्ची का चटपटा अचार बनकर के तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।